बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201। आज जो डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया एरे मैनिपुलेशन के, कैसे हमने एरे को मैनिपुलेट किया है मैट्रिक्स की फॉर्म में। हमने 3x3 मैट्रिक्स को हमने आउटपुट आई, यूज़र से वैल्यूज़ गेट की। एरे मैनिपुलेशन हमने स्टडी किया, रिवर्स रो, कैसे हमने रिवर्स रो में लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुए और हम आए 0 इंडेक्स तक। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो है हमारे पास पॉइंटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, एग्जांपल 1 बबल सॉर्ट पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस, एंड एग्जांपल नंबर 2 पॉइंटर्स। पॉइंटर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन विच मेमोरी एड्रेस इज स्टोर। पॉइंटर क्या है? स्पेशल टाइप है वेरिएबल्स के जिसमें क्या होता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। दे कॉन्टेन अ मेमरी एड्रेस नॉट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब पॉइंटर कहाँ कंसिस्ट कॉन्टेन करता है? वेरिएबल के मेमरी एड्रेस पे, कि कहाँ कोई भी वेरिएबल है वो स्टोर है, वेरिएबल की जो वैल्यू है ये उस पर कंसिस्ट नहीं करता। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं पॉइंटर की। सपोज वो रिक्वेस्ट समवन टू टेक अ पार्सल ऑफ द हाउस ऑफ अ पर्सन नेम अहमद। अब क्या है, हमने क्या करना है, किसी से भी रिक्वेस्ट किया कि वो पार्सल ले कर आए, पार्सल टे पार्सल। अब वो उसको कहाँ डिलीवर करना है, पर्सन का नेम क्या है, अहमद। अब फॉर एग्जांपल अहमद क्या है हमारे पास, हेयर द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस इज़ द नेम। अब क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, नेम हो गया, कि इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, पार्सल को डिलीवर करना है। हाउ एवर इफ़ वी स्पेसिफाई टेल हिम द नंबर ऑफ हाउस एंड द स्ट्रीट नंबर, देन दिस इज़ द रेफरेंस बाय द एड्रेस ऑफ द हाउस। अब क्या करेंगे, अगर हम उसको नेम के इंस्टेड क्या करेंगे, एंड नंबर देंगे हाउस का और स्ट्रीट नंबर देंगे, तो वो क्या होगा, रेफरेंस होगा एड्रेस ऑफ द हाउस के, वो उस जगह का रेफरेंस होगा। अब इस तरह के देखें टू वेज हैं हमारे पास पॉइंटर की। फर्स्ट क्या है कि हमने उसके नेम के अकॉर्डिंग, कि उस पर्सन का नेम क्या है, उसका एड्रेस देते हुए हमने पार्सल को डिलीवर करना, या फिर हमने उस पर्सन के हाउस और स्ट्रीट नंबर का एड्रेस दे के उसका पार्सल डिलीवर करवाना। इट्स मीन दैट वी हैव टू वेज टू लोकेट एन एड्रेस। अब एड्रेस को लोकेट करने के हमारे पास क्या है, टू वेज हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस। अब ये क्या है, डायरेक्ट रेफरेंस और इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनको स्टडी करते हैं कि है क्या। वी कैन यूज़ द नेम एंड एड्रेस इंटरचेंजेबली टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन। अब क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस में, जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने स्टडी की जिसमें पार्सल डिलीवर करना था पर्सन को, उसमें क्या था, या डायरेक्टली हम उस पर्सन का नेम यूज़ करते हुए पार्सल को डिलीवर करते, या फिर उसका एड्रेस यूज़ करते हुए, हाउस एड्रेस एंड स्ट्रीट एड्रेस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, पार्सल डिलीवर करते हैं। इसी तरह क्या होता है, पॉइंटर्स में भी, कंप्यूटर में भी, मेमोरी में जो लोकेशन होती है उसको हम नेम और एड्रेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस आ जाता है। व्हेन वी यूज़ अ वैल्यू, व्हेन अ वैल्यू इज़ रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल इज़ नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस। जब भी नॉर्मल वेरिएबल, डायरेक्टली जो वेरिएबल है जिसमें क्या है, वैल्यू स्टोर है, उस वेरिएबल को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, पॉइंटर को एड्रेस रेफर करेंगे, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट रेफरेंस होगा। वाइल द वैल्यू रेफर्ड थ्रू द यूज़ ऑफ मेमरी एड्रेस। अब सम और सेकेंड इसका ऑप्शन कौन सा है, कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो मेमरी एड्रेस है, हम वो पॉइंटर को बताएं रेफर करने के लिए वैल्यू, तो वो मेथड कौन सा है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड। अब टू मेथड है, या तो हम डायरेक्टली वेरिएबल के थ्रू रेफर कर दें मेमरी एड्रेस, या फिर क्या हो, हम उसका मेमरी जो मेमरी एड्रेस है वो फाइंड आउट करके हम पॉइंटर को रेफर कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड फर्दर द टर्म ऑफ डायरेक्ट रेफरेंस एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, सपोज दैट वी वॉन्ट टू असाइन अ वैल्यू 10 टू एक्स। असाइन हमने की वैल्यू 10 असाइन कर दी एक्स को। अब वेरिएबल नेम क्या है, एक्स है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो 10। अब इसके टू वेज हैं। फर्स्ट क्या है कि हम एक्स के थ्रू क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो मेमरी एड्रेस असाइन करेंगे पॉइंटर को, और सेकंड क्या है कि जिस वैल्यू, जिस मेमरी लोकेशन पे ये वैल्यू हमारे पास स्टोर है, वैल्यू 10 स्टोर है, वो हम मेमरी लोकेशन असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस का क्या है, फर्स्ट पिक्चर में देखें, एक्स डायरेक्टली रेफरेंस अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज 10। अब इन अदर वर्ड असाइन द वैल्यू टू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस कॉन्टेन द वेरिएबल्स। ऑन राइट हैंड साइड जो एड्रेस होगा वो किस पे कॉन्टेन करेगा, वेरिएबल का जो एड्रेस हम राइट करेंगे वो राइट हैंड साइड पर करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के स्टैटिक के राइट साइड पर। डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर,
पॉइंटर वर्क बाय पॉइंटिंग टू अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। पॉइंटर जब भी वर्क करता है तो क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक जो पार्टिकुलर डाटा टाइप होता है उसके थ्रू कोई भी वैल्यू है जब उसको असाइन की गई है, रेफर की गई है, तो वो उसको डाटा टाइप को यूज़ करते हुए वो पॉइंट करता है। और जो की जो वर्ड इसके साथ वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ होता है। वी कैन यूज़ हैव पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू आर डबल, पॉइंटर टू करेक्टर एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं हम पॉइंटर को एज ए इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर डबल। अब क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स होगी लेकिन जो डाटा टाइप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर डाटा टाइप हो। पॉइंटर बींग अ वेरिएबल नीड्स अ नेम, दिस पॉइंटर आर डिक्लेयर इन अ स्पेसिफिक वे। वो पॉइंटर जो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स के थ्रू का वर्क कर रहे हैं, उसको क्या हो, स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। और आप देखें पॉइंटर के डिक्लेरेशन, फर्स्ट आगे डाटा टाइप आगे, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर होना चाहिए, स्टैटिक आ गया, मीट्स मीन क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास पॉइंटर आ गया। नेक्स्ट क्या है, उसका स्पेसिफिक नेम आ गया है जो एड्रेस हो गया। अब क्या है, इंट स्टैटिक माय पीटीआर, अब क्या है पॉइंटर का नेम है माय पीटीआर। फॉलोइंग एग्जांपल वी डिक्लेयर थ्री पॉइंटर, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में थ्री पॉइंटर सेम उसमें डिक्लेयर किए जा रहे हैं सिंगल एक लाइन में। वैन वी मिक्स द पॉइंटर डिक्लेरेशन विद सिंपल वेरिएबल ऑन वन लाइन, अब क्या करते हैं वेरिएबल्स का जब हमने मिक्स कर दिया है किसी भी पॉइंटर को मल्टी सिंपल वेरिएबल के साथ और अरे के साथ, तो डाटा टाइप सेम थी, इसी तरह हमने क्या हुआ, फर्स्ट हमारे पास स्टैटिक पीटीआर पॉइंटर नेम आ गया, नेक्स्ट हमारा एक्स क्या है कोई भी वेरिएबल आ गया, और फिर ए 10 क्या है अरे हमारे पास आ गई है ये, और इसका साइज क्या है 10। नो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एड्रेस अ पॉइंटर होल्ड, सपोज वी डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल पी टी आर एंड द वेरिएबल एक्स एंड असाइन वैल्यू 10 टू इट, वी राइट दिस एट्स इट। अब क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास पॉइंटर कौन सा है, उसकी क्या वेरिएबल है, उसके लिए हमने क्या किया यूज़ इंट स्टैटिक पी टी आर पॉइंटर हो गया, उस पॉइंटर में क्या है वेरिएबल जो स्टोर है वो एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है जो मेमरी एड्रेस पे स्टोर है मेमरी लोकेशन पे। When we want to address of this memory location into pointer PTR to get the address of X, we use address operator and it is and not। अब देखें यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है, हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और एंड क्या है हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर भी है। अब जब हमने इसको एज अ लॉजिकल में लॉजिक में जब हमने इसको यूज़ करना है तो हम डबल टू टाइम्स एंड ऑपरेटर को राइट करेंगे, लेकिन जब हमने एड्रेस के ऑपरेटर एज एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना है हमने एंड ऑपरेटर को, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल के साथ सिंगल हम एक दफ़ा इसको राइट करेंगे पी टी आर पॉइंटर नेम आ गया इक्वल टू एड्रेस एक्स। अब ये क्या है जो हमारा एक्स है वेरिएबल उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है ये पॉइंटर को वो शो करवा रहा है। द डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन कॉल इज कॉल बाय वैल्यू, सम टाइम वी वांट टू मेक अ कॉल बाय रेफरेंस। अब क्या है फंक्शन कॉल के जो डिफ़ॉल्ट होता है मेथड वो क्या है कॉल बाय वैल्यू, और सम टाइम हम इसको कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एड्रेस पास करने के लिए एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इन द कॉलिंग फंक्शन वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू अ फंक्शन बीइंग कॉल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, वी राइट अ फंक्शन कॉल एज एफ एन address operator x where x and x indicate that the address of variable x is being passed through the function fn। अब क्या करेंगे address operator use करेंगे हम variable x के साथ, और जब हम इसको use करेंगे function fn के parentheses में its mean क्या होगा ये हमें show करवाएगा जो variable के जो address है variable x का वो pass हो गया function fn में। अब डिक्लेरेशन है receiving function के हमारे पास void fn int static num के, अब क्या है integer data type आगे पॉइंटर क्या है नम है पॉइंटर का नेम, और फंक्शन एफ एन क्या है हमारे पास फंक्शन आ गया, और नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब जब हम उसकी स्टेटमेंट में क्या है को हम राइट करेंगे सी इन, तो उसमें क्या आ जाएगा पॉइंटर नम के ये हमारा पॉइंटर है, और जो वैल्यू होगी वो हम गेट करेंगे यूज़र से। एग्जाम्पल वन है हमारे पास बबल सॉर्ट की, बबल सॉर्ट एप्लीकेशन हेल्प अस कंपेयर टू वैल्यूज ईच टाइम एंड इंटरचेंज द लार्जर एंड स्मॉलर वैल्यूज। अब बबल सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है, कैसे एप्लीकेशन है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का, ये हम हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए टू वैल्यूज़ को, और जो वैल्यूज़ होती हैं लार्जर और स्मॉल है तो उनको कंपेयर करके स्वैप करता है एक दूसरे से। टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर वैल्यू द टेक्निक ऑफ स्वैपिंग इज़ यूज, स्वैपिंग आर वेरी कॉमन इन प्रोग्रामिंग। स्वैपिंग के बारे में हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर सकते हैं स्वैपिंग है क्या, इसको हम जब भी हमने टू वैल्यूज़ को स्वैप करना होता है तो हम कोई भी थर्ड वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करवा के उसमें वैल्यू स्टोर करवा के देन हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं, और इसके लिए जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं स्वैपिंग के लिए वो है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। एग्जाम्पल देखते हैं हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स की।
यहाँ पर प्रोग्राम गिवन है बबल सॉर्ट का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे और फिर आउटपुट गेट करेंगे। अब क्या है, हेडर फाइल्स हमारे पास आ गई, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूड स्टेट लिब डॉट एच। अब स्टेट लिब डॉट एच किस लिए यूज़ होते हैं, कि जब भी हमने कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं, कोई भी हमने कन्वर्ट करना होता है, वैल्यूज़ को सर्च करनी होती है इंटीजर एल्गोरिथम्स की, हमने कोई भी सर्चिंग करनी होती है, कोई भी नंबर रैंडम जनरेट करना होता है, सॉर्टिंग करनी होती है या कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम ये हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, एस टी लिब डॉट एच को। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। अब ये क्या है, स्टार्ट में प्रोटोटाइप आ गई फंक्शन की, जब हमने स्वैप करवाना है टू वैल्यूज़ को, वॉइड स्वैप को हमने फंक्शन यूज़ किया, डिक्लेयर करवाया फंक्शन को इंट स्टेरी को, तो क्या हो गया, हमारा पॉइंटर आ गया, और दोनों हमारी जो ब्रैकेट्स में जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं वो क्या है, पॉइंटर के फॉर्म में है। मेन फंक्शन में क्या है, अरे हमने फर्स्ट में क्या किया, अरे एक्स है, उसके हमने उसकी वैल्यूज़ को हमने राइट नहीं किया, अरे के साइज़ को राइट नहीं किया, डायरेक्ट उसको डिक्लेयर के बाद इनिशलाइज करवा दिया, कंपाइलर ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा कि अरे में अरे का साइज़ क्या है। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर आई जे टेम्परेचर एंड टेम्प एंड स्वैप। टेम्प की वैल्यू, टेम्प का वेरिएबल हमने यूज़ किया, कि हमने पहले भी स्टडी किया कि जब टू वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप करना है, तो थर्ड एक टेम्परेरी हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें क्या करवाते हैं, स्वैपिंग के लिए वैल्यू को सेव करवाते हैं। नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो रहा है, फॉर लूप है, आई को स्टार्ट करवाया 0 से, आई इज़ लेस देन 10, आई में हर दफ़ा क्या हो, इंक्रीमेंट हो। फॉर लूप की बॉडी में क्या, स्वैप को इनिशलाइज करवा दिया 0 के इक्वल, इसी तरह जे को भी इनिशलाइज करवाया, और नेक्स्ट क्या आ गई, जे की कंडीशंस आ गई, इफ़ एक्स जे इज़ लेस इज़ ग्रेटर देन। अब क्या हो, जो एक्स जो हमारी जे की वैल्यू है वो अरे, अब यहाँ पे हमने यूज़ की एक्स अरे यूज़ की, और एक्स के इंडेक्सेस में हमने क्या इक्वल कर दिया उसको, जे की वैल्यूज़ को, क्योंकि जैसे जैसे जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन चेक होगी, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, अरे के इंडेक्स में आ जाएंगे, फिर उसे हमें आइडिया होगा कि ठीक है अरे 0 है, अगर अरे की वैल्यू पहले अरे 0 इंडेक्स है तो उसमें वैल्यू 1 स्टोर है, अगर इंडेक्स 1 है तो उसमें वैल्यू 3 स्टोर है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कंडीशन, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा उसी तरह क्या होगी, वैल्यूज़ उन अरेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्वैप है, स्वैप में भी क्या हो, इंक्रीमेंट होता रहे, 1 का 0 है तो जब इंक्रीमेंट होगा तो उसके इक्वल वो आ जाएगा, 1 के इक्वल होगा, फिर इसी तरह इंक्रीमेंट होगा तो वो सेकंड स्वैप के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्प्ले द अरे एलिमेंट आफ्टर ईच कंपैरिजन। नेक्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है हर एक एलिमेंट को कंपैरिजन के बाद। यहाँ पर भी क्या है, हमने फॉर लूप यूज़ किया, और जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया कि एक्स के इंडेक्सिस में हमने राइट कर दिया जे के, जो जे की वैल्यू होगी वही क्या होगी, एक्स का इंडेक्स होगा। वाइड स्वैप इन पॉइंटर एक्स एंड पॉइंटर वाई। अब यहाँ पर क्या करना है, वाइड स्वैप का जो हमारा फंक्शन है जिसको स्टार्ट में हमने डिक्लेयर करवाया है, उसकी फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि क्या मेन जो से इस फंक्शन में जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है वो क्या है। मेन जो स्वैपिंग होगी वेरिएबल्स की बबल सॉर्ट को यूज़ करते हुए वो इस वाइड स्वैप के फंक्शन में होगी। कोई भी जो वैल्यू है ये मेन को पास नहीं करेगा, जब भी प्रोसेस ये टर्मिनेट करेगा, जब कंट्रोल बैक होगा फंक्शन मेन फंक्शन पे जाएगा कंट्रोल बैक, तो जो वाइड स्वैप का फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा मेन फंक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू यूज़ की गई है नॉन रिटर्न टाइप है, वाइड को हमने यूज़ किया, अगर यहाँ पर इंटीजर टाइप होती तो क्या होता, जब भी कंट्रोल बैक देता वापस मेन फंक्शन को स्वैप का फंक्शन, तो क्या होता कोई भी वैल्यू जो होती वो रिटर्न लाजमी करता। अब यहाँ पर क्या है, इंटीजर टेम्परेचर का वेरिएबल यूज़ किया, इफ़ पॉइंटर एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर तो पॉइंटर एक्स क्या है पॉइंटर वाई से ग्रेटर है तो क्या हो, अब टेम्परेचर यहाँ पे टीएमपी की जो वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू वो क्या है 0 को इक्वल है, पॉइंटर एक्स की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, टेम्परेरी पॉइंट टेम्प में स्टोर होगी। अब क्या है, जो पॉइंटर एक्स है वो एम्प्टी है, इसी तरह जब एक्स को वाई के इक्वल करेंगे पॉइंटर वाई के इक्वल, तो जो वैल्यूज होंगी वो स्वैप हो जाएगी, वाई की वैल्यू किस में चली जाएगी, एक्स में चली जाएगी, और फिर क्या होगी, जो टेम्प में जो वैल्यू होगी वो वाई में हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, एक थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को स्वैप किया, और फिर क्या करेंगे अपने इस स्वैप के फंक्शन को कॉल करेंगे हम, इफ़ स्वैप इक्वल इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया, स्वैप के फंक्शन कॉल किया, अब इसको देखते हैं इसकी आउटपुट आई क्या। यूज़र से जो हमने यहाँ पर हमारे पास नंबर थे गिवन, ठीक है, नंबर यहाँ पर देखें सेव थे 1 3 5 7 9 2 4 6
810। अब जब उसको क्या किया, सॉर्ट करना स्टार्ट किया, तो जो लास्ट में हमारे पास स्टार्ट प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास डिजिट्स है वो आ गए आफ्टर स्वैपिंग बबल सॉर्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस के। पॉइंटर में हमने पहले स्टडी किया कॉल बाय वैल्यू के, वैल्यू के थ्रू हम कैसे कॉल करवाते हैं किसी भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंटर में। अब नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस के, कैसे रेफरेंस के थ्रू किसी भी मेमोरी एड्रेस को वेरिएबल को कॉल करवाएंगे हम पॉइंटर में। व्हेन वी पास पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल देन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। अब क्या करें, जब भी आर्गुमेंट पॉइंटर के आर्गुमेंट में पास करवाना है तो इसमें हम क्या होते हैं, पहले हमने क्या करवाया, डायरेक्ट वेरिएबल राइट करवाया आर्गुमेंट में किसी भी पॉइंटर के। अब इसमें क्या होगा कॉल बाय रेफरेंस में, कि हम डायरेक्टली उसका एड्रेस, जो वेरिएबल का एड्रेस है डायरेक्टली हम उसको पास करवाएंगे किसी भी फंक्शन के पॉइंटर के आर्गुमेंट्स में। सो एनी चेंज मे बी मेड बाय द फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर इज परमानेंटली एट द एड्रेस ऑफ द पास्ट वेरिएबल। अब कोई भी चेंज होगा फंक्शन में, जब भी हम कोई चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली परमानेंट चेंज हो जाएगा उस पॉइंटर के एड्रेस में जो हमने पास करवाया, किस वेरिएबल का जो भी हमने एड्रेस पास करवाया उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस टेक्निक इज़ नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। ये टेक्निक कौन से, कॉल बाय रेफरेंस की। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एन कॉन्स्टेंट इंट माई पी टी आर। अब माई पी टी आर क्या है, डायरेक्टली हमारा जो सब पॉइंटर का क्या होगा, वेरिएबल का एड्रेस होगा, डायरेक्टली उसको कॉल करेंगे, पास करवाएंगे फंक्शन के पैरामीटर्स में। एग्जाम्पल है, लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल इन विच वी यूज़ द पॉइंटर टू मेक कॉल बाय रेफरेंस। वी वांट कन्वर्ट द लोअर केस लेटर टू स्ट्रिंग करेक्टर टू आइदर कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस। अब क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हुए जो हमारी स्ट्रिंग होगी, एक लॉन्ग स्ट्रिंग जो हम यूज़र से गेट करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हमने कन्वर्ट करना है लोअर लेटर्स में। एग्जाम्पल का सोल्यूशन है, यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो गए आयो स्ट्रीम, हमारी हेडर फाइल आ गई सी टाइप डॉट एच एस टी डी लिप डॉट एच। अब ये एस टी डी लिप डॉट एच हम क्यों यूज़ करते हैं, कि जब भी हमने कन्वर्जन करनी होती है, सर्चिंग करनी होती है, कोई भी हमने परफॉर्म सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होती है किसी भी प्रोग्राम पे, उसके लिए हम एस टी डी लिप डॉट एच को हम यूज़ करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी को हम यूज़ कर रहे हैं। सी आउट में हमारे पास जो भी प्रिंट आउट होता है इसको हम उस लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग कमांड हमारे पास ही आ गई। नेक्स्ट क्या क्या डिक्लेयर किया, फंक्शन प्रोटोटाइप का, फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। फर्स्ट क्या है, वाइड कन्वर्ट टू अपर केस। फंक्शन नेम हमारा क्या है, कन्वर्ट टू अपर केस, जो उसकी रिटर्न टाइप है वो नो रिटर्न टाइप फंक्शन है हमारे पास, और करैक्टर स्टेरिक। स्टेरिक यहाँ पर क्या पॉइंटर है, मेन के फंक्शन में आएंगे। मेन में क्या है, करैक्टर एस। अब एस जो लेंथ है स्ट्रिंग इंडेक्स, हमारे जो अरे है उसकी लेंथ क्या है, 30 है। अब अरे में जो स्ट्रिंग स्टोर है वो क्या है, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब इसको हमने क्या कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सी आउट प्रिंट हमारे पास होकर आ जाएगी, जो हमारी बिफोर कन्वर्जन जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हमने कन्वर्ट टू अपर केस एस, जो हमारा फंक्शन था यहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल करवाया, जो फंक्शन जो उनसे उसके फंक्शनैलिटी थी उसको परफॉर्म करने के लिए, अगेन कोड हमने नहीं राइट किया, हमने डायरेक्टली क्या किया, कन्वर्ट टू अपर केस का जो फंक्शन है उसको कॉल करवा लिया। फंक्शन को कॉल करवाने के बाद जो भी फंक्शनैलिटी होगी फंक्शन की वो इस यहाँ पर परफॉर्म होगी, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट होगी वो आ जाएगी। अब फंक्शन देखते हैं, राइट हमने क्या किए थे, फंक्शन का कोड वाइड कन्वर्ट टू अपर केस, फंक्शन नेम आ गया, करैक्टर स्टेरिक एस पी टी आर, पॉइंटर की डाटा टाइप आ गई, और पॉइंटर का डायरेक्टली जो उसका मेमोरी एड्रेस था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मेमोरी एड्रेस के थ्रू रेफर किया पॉइंटर को फंक्शन में। अब इसमें क्या होगा, अगर हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं अपर केस से अब लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा मेमोरी एड्रेस होगा वहाँ पर स्ट्रिंग भी क्या होगी, परमानेंटली चेंज हो जाएगी अपर केस से लोअर केस में। वाइल एस पी टी आर इज़ नॉट इक्वल टू स्लैश ज़ीरो, अब स्लैश ज़ीरो हमारे पास क्या है, ये नल करैक्टर। अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल नहीं है नल करैक्टर के, देन क्या हो, इफ़ इज़ लोअर। अब इज़ लोअर किस लिए यूज़ होता है, चेक करता है इज़ लोअर का जो की जो हमारे पास कीवर्ड है, इज़ लोअर का जो कीवर्ड है वो चेक करेगा क्या अल्फ़ाबेट स्मॉल ऑर्डर में है या नहीं है। इज़ लोअर क्या है, बिल्ट इन कीवर्ड्स है, ये यूज़र डिफाइंड कीवर्ड नहीं है।
वो चेक किया, इफ़ यू कंडीशन ट्रू होने के बाद पॉइंटर एस पी टी आर इक्वल टू टू अपर एस पी टी आर। अब ये क्या करेगा, टू अपर भी जैसे इज लोअर बिल्ट इन कीवर्ड है, इसी तरह क्या है, टू अपर भी बिल्ट इन कीवर्ड है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, इफ़ यू कंडीशन ट्रू हो कि अल्फ़ाबेट क्या है, स्मॉल ऑर्डर ऑर्डर में है। अब टू अपर क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को पॉइंटर में जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, और फिर मूव कर देगा पॉइंटर को, और फिर नेक्स्ट करेक्टर पे उसको मूव करेगा, एक करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद। द स्ट्रिंग बिफोर कन्वर्जन इज, अब देखा स्ट्रिंग जो हमारे पास थी कन्वर्जन से पहले थी, कुछ अल्फ़ाबेट्स उसके थे कैपिटल में और कुछ थे स्मॉल में, स्मॉल लेटर्स में थे। द स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्जन इज, अब कन्वर्जन के बाद क्या हुआ, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो राइट है, ये क्या है, कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, अपर केस के फॉर्म में है। टू अपर कीवर्ड को यूज़ करते हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर होता है लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।